हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के। तो याद रखना हम लोग 12 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं और लास्ट चैप्टर था 12वां, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख धातुएं और उनके यौगिकों के बारे में। ठीक है, याद रखिए जितने भी चैप्टर हम लोग ख़त्म करते जा रहे हैं वो सभी जनरल साइंस के नाम की प्लेलिस्ट सूची में डालते जा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ जाकर देख सकते हैं अगर कोई छूटा हुआ है तो। शुरू करते हैं डॉक्टर चित्तकार, शिल्पकार आदि द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? फिलास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो याद रखना है बुझे चूने पर से क्लोरीन। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होती है? एल्यूमिनियम। एमरी क्या कहलाता है? अशुद्ध एलुमिना। सामान्य फिटकरी क्या है? K2SO4Al2। कोष्ठक SO4 कोष्ठक बन 324H2O। ठीक है, आगे बात करते हैं। बॉक्साइड का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एलुमिना। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोग क्यों है? क्योंकि यह कोलाइडी विल्सन को अवक्षेपित करती है। एलुमिना की विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? एलुमिना का गलनांक घटाने के लिए। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अवयव से किया जाता है? तो याद रखना है बॉक्साइड। बॉक्साइड से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? तो याद रखना है विद्युत अपघटन द्वारा। किसी धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुमूल्य है? एल्यूमिनियम। यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। ठीक, भारत में एल्यूमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता है? विद्युत की। फिलास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टॉस। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि यह द्रवणांक को घटाता है। आगे बात करते हैं। जैव तंत्र के लिए कुछ धातुएं अत्यंत आवश्यक हैं, यथा लोहा। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है जो मानव तथा अन्य जंतुओं में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तांबा तथा जिंक एंजाइमों के घटक हैं। सोडियम तथा पोटेशियम स्नायु एवं पेशीय संकुचन की विद्युत प्रक्रियाओं में भाग लेता है। लोहे की अधिकता से लोहा मयता तथा लोहे की कमी से शरीर में अरक्तता एनीमिया होता है। किसी वयस्क के शरीर में सामान्यतः तांबे की मात्रा 0.10 से 0.15 तक ग्राम तक होती है। यदि तांबे की मात्रा अधिक हो जाए तो विल्सन नामक रोग हो जाता है। इससे कंपन जोड़ों में गांठ, स्नायु असामान्यताएं इत्यादि होती हैं। आगे बात करते हैं। फिलास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? 2CaSO4.H2O। क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। विरंजक चूड़ का सूत्र क्या है? CaOCl2। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3MgCO3। वात्याभट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त होता है कैल्शियम सिलिकेट। ठीक,
आगे बात करते हैं। लोहे की सतह पर लगाया जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगने से कैसे बचाता है? पेंट ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। हेंजे क्लीवर विधि किसके उत्पादन की व्यापक वृद्धि है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? CO2 से प्रतिक्रिया करके CO3L2 मुक्त करने का। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरी सब्जियों में। लोहे का एक एस्क बताइए, हेमाटाइट। फिलोसोफर बूल क्या है? GZNO। सफ़ेद कशिश क्या होता है? ZnSO4 7H2O। लिथोफोन क्या होता है? BaSO4+ZnS। हीमोग्लोबिन क्या उपस्थित होता है? लोहा। टैप रिकॉर्डर की टैप किसमें लेपित रहती है? फेरोमैग्नेटिक चूर्ण में। कौन सा धातु अम्लगम नहीं बनाता है? याद रखिए, लोहा। आगे बात करते हैं, एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? लोहा। किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडरोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है? लोहा। आगे बात करते हैं, लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ कौन सा है? फेरिक ऑक्साइड। वाटर टैंकरों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से होता है? जिंक ब्लेंड। राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? जस्ता। धातुओं में लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाती है? जस्ता की। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या कहते हैं? यसद लेपन। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण। तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4.5H2O। ताम्र का शत्रु कौन सा तत्व है? तो याद रखना, गंधक। नीला कशिश का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, आगे बात करते हैं, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? विल्सन बीमारी। गैल्वेनिकृत लोहे पर किसकी लेप रहती है? जिंक की। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 7H2O। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। हॉर्न सिल्वर किट है? AgCl। सिल्वर नाइट्रेट को प्रयार रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? यह सूर्य के प्रकाश में अवघटित हो जाता है। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, याद रखिए। किंतिम वर्षा क्या है? किंतिम वर्षा कराने में किस रासायनिक का प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड। याद रखना, लकड़ी की वस्तुओं को कीटों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है जिंक क्लोराइड का। चूहों को मारने की दवा कौन सी है? जिंक फॉस्फाइड। ठीक है, रंगने में काम आने वाली तीखा पदार्थ कौन सा है? जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है क्या कहलाती है? जेड एंड जिंक। आगे बात करते हैं, चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्क से होता है? अर्जेंटाइट। किस
निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि प्रस्तुत की जाती है? चांदी। कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है? चांदी। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? क्रोमियम। क्रोमियम लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है और जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अब घर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्रोमियम। मोहर लवण का रासायनिक सूत्र है FeSO4, कोष्ठक HNH4, कोष्ठक बंद 2, SO4.H24H2O। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। नीला थोथा या हरा कशिश, नीला थोथा या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का विचलित नाम है? फेरस सल्फेट। रक्त तृप्त लोहे पर जलवायु प्रवाहित करने पर क्या बनता है? क्या प्राप्त होता है? तो याद रखना है H2। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तो याद रखना है तांबा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण Mg प्रति लीटर है, तो याद रखना 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी है? तांबा। कौन धातु पीतल, कांस, जर्मन सिल्वर इस सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तांबा। कैलोरीमीटर किससे बनाया जाता है? तांबा। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। लोहे की कीलें नीली कॉपर सल्फेट विलयन में डूबने पर क्या होता है? लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित हो जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना बेरियम। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑस्मियम। आगे बात करते हैं, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। शुष्क सेल में बी ध्रुवक का कार्य करता है मैग्नी डाइऑक्साइड। एलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती हुआ है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। नागासाकी पर संयुक्त अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम। आगे बात करते हैं, सोडियम गैलियम पोटेशियम मैग्नीशियम में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? गैलियम। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन का रासायनिक नाम क्या है? सूत्र क्या है? HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। मरकरी फारा को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? जस्ता। सीसा का निष्कर्षण मुख्यतः किस एस्के से होता है? याद रखना गैलना। बड़े शहरों में वायु को क्यों प्रदूषित करता है? क्या प्रदूषित करता है? याद रखना सीसा बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? सीसा। रेड लेड क्या है? Pb3O4। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए क्यों उचित नहीं है? क्योंकि ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैला लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है?
लिथार्ज। कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? टाइटेनियम। किसे भविष्य की धातु कहते हैं? टाइटेनियम। कैडमियम प्रदूषण किस रोग से संबंधित है? एटाई एटाई। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है? पैलेडियम। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरोन। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? मैग्नीज। कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? टंगस्टन। विद्युत प्रेस में कौन सा तापक तत्व प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार। आगे बात करते हैं, ठीक है? राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य संघटक क्या है? चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड एस्क है? याद रखिए, एल्यूमिनियम। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघटन के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। समृद्ध यूरेनियम क्या होता है? प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से मिलता है, ठीक है? बात करते हैं आगे, किसमें रजत नहीं होता है? तो याद रखिए, जर्मन सिल्वर। कौन सा यशत पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। मसाला किसका मिश्रण है? जल बालू और जिप्सम का। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम। स्टेनलेस स्टील कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं इसमें? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है? याद रखना है, कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर किसका एक एलॉय है? कॉपर, जिंक और निकेल का। स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है, स्वर्ण का शुद्धतम रूप क्या है? 24 कैरेट। कठोर स्टील में क्या होता है? 0.5 से 1.5% कार्बन। फ्यूज तार किस से बनती है? टिन और सीसा की मिश्र धातु से। आगे बात करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से किसमें मदद मिलती है? सीमेंट को सीक जमने से रोकने। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तृप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मिट्टी का। पीतल और कांसा दोनों तामयुक्त मिश्र धातु हैं, तथापि उसकी रासायनिक संरचना में अंतर किस रूप में? पीतल में जस्ता और कांसे में टिन का अतिरिक्त अंश होता है। जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है? बर्तन को ऋण ध्रुव तथा शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। सोने की को किसमें घोला जा सकता है? अम्लराज, नाइट्रिक एसिड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। इक्वारेजिया क्या है? इक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। यह 3:1 के अनुपात में सांद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी एक अम्ल में अकेले यह क्षमता नहीं होती है। एक्वारिजिया भभकता द्रव होने का साथ प्रबल संचारक है। यह उन अभिकर्मकों में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनियम को गलाने में समर्थ होता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा
तांबा में से कौन मिश्र धातु नहीं है? याद रखिए तांबा। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन से रासायनिक पदार्थ का लेप होता है? आयरन ऑक्साइड। धातु की प्रकृति क्या होती है? विद्युत धनात्मक। सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी होती है? 0%। ठीक है, याद रखिए। आगे बात करते हैं। पोर्टलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना, सिलिका, एलुमिना और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा सही अनुक्रम है? तो याद रखिए CO, CaO, फिर CiO2, फिर Al2, फिर O3, फिर Fe2O3, Fe2O3। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जे बनाने के काम में लिया जाता है? एल्यूमिनियम। स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक आविषालु धातु प्रदूषक है? लेड। पीतल में कौन सी धातु होती है, कौन कौन सी धातु होती है? तांबा और जस्ता। इलेक्ट्रॉनिक में सोल्डरन प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयोग कौन सी पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं? सीसा और टिन। धातु सुचालक होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। मुख्य शोधनों तथा टूथपेस्टों में कौन सा यौगिक आमतौर पर उपयोग किया जाता है? सुहागा। चुंबक बनाने के लिए कौन सा मिश्र धातु उपयोग होता है? एल्निको। हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो याद रखना कैल्शियम। आगे बात करते हैं। कांच का गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक कौन है? पारद। बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतर किससे प्रदूषित होता है? आर्सेनिक। जल में आर्सेनिक की अनुपमत ऊपरी सीमा क्या है? याद रखना 0.05 mg प्रति लीटर। कांच क्या होता है? अति शीतित द्रव। लेंस किससे बनता है? फिलेंट कांच से। पाइरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्यवान बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है? बोरेक्स। कांच प्रबल प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? रेसा कांच। फोटो क्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है? रजत ब्रोमाइड। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है जो आग को बुझा देती है। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला क्यों हो जाता है? क्योंकि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता होती है। आगे बात करते हैं। आयोडीन, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है? सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोष में रक्त, मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सटेट। मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में से किया जाता है? कार्नालाइट। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया किसका निलंबन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इप्सम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? MgSO4 7H2O। पीती अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला हाइपोविलेन का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट।
आगे देखते हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुत आयात से उपयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग होता है? सोडियम। ग्लोबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? Na2SO4 10H2O। सोडा लाइम किसका मिश्रण है? Na(OH+CaO)। धोने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3 10H2O। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र NaAlO2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र Na2S2O3 5H2O। साधारण नमक का अणु सूत्र क्या है? NaCl। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषण पर। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है? पायराइट्स को। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिस सोने से मिश्रित सोने में शुद्ध होने का प्रतिशत कितना है? 75%। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? सिनेवार से। आगे देखते हैं। पारे का साधारणता तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl3Cl2। कोरोसिव सब्लीमेंट मेट का रासायनिक सूत्र क्या है? HCl2। साल्वे फिक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में क्यों किया जाता है? सोडियम धातु वायु प्रवाह होने पर गल जाती है। आगे बात करते हैं। मणिक और नीलम रासायनिक रूप में कैसे जाने जाते हैं? Al2O3। कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर बहुत तन्न होता है? नाइक्रोम। कौन सा तत्व स्टील में संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? निकेल। कोई खनिज जो धातु का स्रोत हो क्या कहलाता है? अयस्क। अंडे का बाह्य स्रोत प्रमुखता किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। नमकीन पानी लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। मृदा सुधारक कौन है? जिप्सम। विटामिन B12 में कौन सा धातु तत्व होता है? कोबाल्ट। रणनीतिक धातुएं किसे कहा जाता है? टाइटेनियम एवं जिरकोनियम। चांदी का एक विशिष्ट गुण क्या है? पानी को शुद्ध करना। एल्यूमिनियम का प्रयोग किन धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है? क्रोमियम एवं मैग्नीज धातु के। एल्यूमिनियम चूड़ एवं एल्यूमिनियम नाइट्रेट का मिश्रण किसमें प्रयुक्त होता है? बमों में। लोहे का निष्कर्षण किस भट्टी में किया जाता है? वात्या भट्टी में। पन्ना किस खनिज का दुर्लभ रूप है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की बाहरी चट्टानों के कवच को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। संश्लेषित मणिक के बड़े क्रिस्टल कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? लेजर किरणों के निर्माण में। एल्यूमिनियम में मैग्नीज मिलाकर कौन सी मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है? मैग्नीलियम। तांबे का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? कॉपर पायराइट से। हेमेटाइट को चूना पत्थर तथा कोयले के साथ वात्या भट्टी में गर्म करने से क्या होता है? लोहा प्राप्त होता है। पारा किससे प्राप्त किया जाता है? सेनेवार से। पारे का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? स्पेन में। अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में ये धातुएं हैं, पोटेशियम, फिर उसके बाद है बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, फिर निकिल, टिन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, तांबा, पारा, चांदी, सोना। ठीक है,
अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में है ये धातु, ठीक है यार। अब बात कर लेते हैं कुछ धातु और अधातुओं में अंतर क्या होता है। तो इनके भौतिक गुण देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर देखेंगे रासायनिक गुण। ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, लेकिन अधातुओं की बात करें तो ऊष्मा व विद्युत की कुचालक ग्रेफाइड अपवाद तथा विद्युत की सुचालक हैं, ठीक है। धातुएं अघात वर्ध तथा तन्य हैं। ये अधातुओं की बात करें तो सामान्यतः भंगुर, ना कि अघात वर्ध ना ही सतन्य। धातुएं चमकदार तथा पॉलिश की जा सकती हैं, ये सामान्यतः चमकदार नहीं होती हैं अधातु। धातुएं ठोस होती हैं, अधातुएं ठोस द्रव गैस होती हैं। रासायनिक गुण की बात करें इनके तो धातुओं के धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जिनमें से कुछ क्षार बनाती हैं। अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन पुनः स्थापित करती हैं तथा लवण बनाती हैं। अधातुएं अम्लों में से हाइड्रोजन को पुनः स्थापित नहीं करती हैं। धातुएं क्लोरीन से सहयोग कर क्लोराइड बनाती हैं जो विद्युत संयोजक होती हैं। अधातुएं क्लोरीन से सहयोग कर क्लोराइड बनाती हैं जो सहसंयोजक होती हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ सहयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं जो विद्युत संयोजक होती हैं। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अनेक स्थायी हाइड्राइड बनाती हैं जो सहसंयोजक होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं कुछ धातुएं एवं उनके भौतिक गुणों के बारे में। तो याद रखिए सामान्य नाम है इनके, ये अन्य नाम हो गए, संकेत हो गए, परमाणु संख्या, रंग, गलनांक, क्वथनांक और घनत्व इनका। तो पहले है सबसे बात सोना, इसका अन्य नाम है ओरम, इसका संकेत AU, परमाणु संख्या 77, इसका रंग पीला चमकीला, गलनांक है इसका 1063 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका क्वथनांक है 2660 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी से 19.3 गुना भारी है ये, ठीक है घनत्व। फिर चांदी है, अर्जेंटम AG है इसका संकेतक, इसका परमाणु क्रमांक है संख्या 47, चमकदार सफ़ेद है, इसका गलनांक है 961, क्वथनांक है 2180 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी से 10.5 गुना भारी है। फिर लोहा, इसका फेरम है अन्य नाम, Fe इसका संकेत है, 26 है परमाणु संख्या इसकी, भूरा कालापन के लिए रंग है इसका, और इसका गलनांक है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका क्वथनांक है 2800 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी से 7.3 गुना भारी है, ठीक। चलिए तो इसी प्रकार ये तांबा है, पारा है, एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज, टिन, प्लेटिनियम, वीडियो रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, ठीक है। ये हमारा लिथियम है, फिर बेरिलियम है, सीसा, लिथियम, ठीक है, इन्हें भी देख लेना। तथ्य हैं आइसफोन के नाम है, सूत्र के तथ्य हैं, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम, इसके एस के नाम है नीलम, बॉक्साइड, डायस्पोर, क्रायोलाइट, Al2 है इसका सूत्र। फिर इसका बॉक्साइड का है Al2O3 2H2O, डायस्पोर का है Al2O3 H2O, क्रायोलाइट का है Na3AIF6, ठीक है। एंटीमनी हो गया, बेरियम हो गया, कैडमियम, ये देख लेना, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पारा है, पोटेशियम है, ठीक है। क्रोमियम है, तांबा है, सोना है, लोहा, चांदी, सोडियम, स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, ये सभी देख लेना आप लोग, सीसा। अब बात कर लेते हैं हम लोग आगे प्रमुख धातुएं और यौगिक और उनके उपयोग देख लेते हैं। जैसे हीरा आभूषण निर्माण में और कांच काटने में, उसका फिटकर, जल को शुद्ध करने तथा औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, एल्यूमिनियम सल्फेट कागज उद्योग में, कपड़ों की छपाई में, आग बुझाने में इसका उपयोग होता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड मलहम बनाने में, जहर के रूप में, थर्मामीटर में, सिंदूर,
एवं अम्लगम बनाने में, फिर है जिंक सल्फेट या उजला थोथा, आँखों के लिए लोशन बनाने में, कैलिको बनाने छपाई में, चरम उद्योग में इसका जिंक क्लोराइड, टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण में, ताम एवं कांच आदि की सतह को जोड़ने में, जिंक की बात करें तो बैटरी बनाने में, हाइड्रोजन बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, कीटाणु नाशक के रूप में कागज़ तथा कपड़ों के व्यंजन में, प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में, ठीक है। फिर कैल्शियम सल्फेट, तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट बनाने में सीमेंट उद्योग में, कैल्शियम कार्बोनेट चूना बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में, अनार्द मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में, मैग्नीशियम कार्बोनेट दंत भंजन दवा एवं जिप्सम लबड़ बनाने में, मैग्नीशियम फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइड बिल्डिंग में, मैग्नीशियम ऑक्साइड रबर पूरक के रूप में, वायरों के प्रयोग में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी उद्योग में, मोलासिस से चीनी तैयार करने, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, कीटाणु नाशक के रूप में, विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में, क्यूपिक क्लोराइड जल शुद्धिकरण में, धागे की रगाई में, क्यूपिक ऑक्साइड नीला तथा हरा कांच बनाने में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, फिर क्यूपस ऑक्साइड लाल कांच के निर्माण में, कीटाणु नाशक के रूप में, कॉपर का बिजली का तार बर्तन तथा ब्रश बनाने में, सोडियम नाइट्रेट खाद के रूप में, सोडियम सल्फेट औषधि बनाने में, सस्ता कांच बनाने में, सोडियम बाइकार्बोनेट अग्नि शमक यंत्र बेकरी उद्योग पीति कारक के रूप में, सोडियम कार्बोनेट कांच के निर्माण में, कागज उद्योग में और जल की कठोरता को दूर करने में, ठीक है। आगे बात करते हैं, शीशे की खोज सर्वप्रथम कहाँ हुई, मिस्र में। शीशे के अधिक प्रयोग में किस प्रकार के रोग होते हैं, मानसिक रोग। मैग्नीशियम की पतली पत्ती जलने पर क्या उत्पन्न होता है, चमकीली तेज रोशनी। फ्लैश लाइट के विकास से पहले फोटोग्राफर रोशनी के लिए किसका उपयोग होता था, मैग्नीशियम का चूर्ण जलाते थे। यूरेनियम सबसे पहले किस अयस्क द्वारा प्राप्त किया गया, पिच ब्लैक ब्लेड द्वारा, ठीक है। यूरेनियम का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, परमाणु ऊर्जा के रूप में। 1 ग्राम यूरेनियम से प्राप्त ऊर्जा के बराबर। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कितने कोयले की आवश्यकता पड़ती है, तो याद रखना 12,250 टन, ठीक है। तो चलिए, ये था रासायनिक विज्ञान का हमारा 13वां चैप्टर, कुछ प्रमुख धातुएं उनके यौगिक। अब बात करेंगे हम लोग अधातुएं उनके यौगिक, ठीक है, 14वीं लेक्चर।